साथियों, आजकल हम देखते हैं बीते वर्षों में घने शहरी क्षेत्रों में आग लगने की घटनाएं बहुत बढ़ी हैं। गर्मी बढ़ती है तो कभी किसी अस्पताल में, किसी फैक्ट्री में, किसी होटल में या किसी बहुमंजिला रिहायशी इलाका इमारत में विकराल आग देखने को मिल जाती है। इससे निपटने के लिए हमें बहुत सिस्टमेटिकली, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, क्या संसाधन हो, व्यवस्था हो, हमें कोऑर्डिनेटेड एंड होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ काम करना होगा। जो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, जहां तक गाड़ी से पहुंचना भी मुश्किल होता है, वहां पर आग बुझाने के लिए पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। हमें इसका समाधान खोजना होगा। हाई राइज बिल्डिंग्स में लगने वाली आग को बुझाने के लिए हमारे जो फायर फाइटर साथी हैं, उनके स्किल सेट को हमें लगातार बढ़ाना होगा। हमें ये भी देखना होगा कि ये जो इंडस्ट्रियल फायर लगती है, उसे बुझाने के लिए पर्याप्त संसाधन हो। साथियों, डिजास्टर मैनेजमेंट के इन प्रयासों के बीच स्थानीय स्तर पर स्किल और जरूरी उपकरण, उन दोनों का आधुनिक होते रहना भी बहुत आवश्यक है। जैसे आजकल ऐसे अनेक उदाहरण आ गए हैं जो फॉरेस्ट वेस्ट को बायोफ्यूल में बदलते हैं। क्या हम अपनी विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उन बहनों को जोड़ करके उनको अगर ऐसे उपकरण दे दिए तो वे अपना इस जंगल का जो भी वेस्ट पड़ा है इकट्ठा करके, उसको प्रोसेस करके, उसमें से चीजें बना करके दे दें, ताकि जंगल में आग लगने की संभावना कम हो जाए और इसके उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी कम होगी। इंडस्ट्री और अस्पताल जैसे संस्थान जहां आग, गैस लीक जैसे खतरे अधिक होते हैं, इस सरकार के साथ पार्टनरशिप करके स्पेशलिस्ट लोगों की फोर्स तैयार कर सकते हैं। अपने एम्बुलेंस नेटवर्क का हमें विस्तार भी करना होगा और इसे फ्यूचर रेडी भी बनाना होगा। इसको हम 5G, AI और IoT जैसी टेक्नोलॉजी से अधिक रिस्पॉन्सिव और इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, इस पर भी व्यापक चर्चा करके रोड मैप तैयार करना चाहिए। ड्रोन टेक्नोलॉजी का राहत और बचाव में अधिक से अधिक उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? क्या हम ऐसे गैजेट्स पर फोकस कर सकते हैं जो हमें आपदा को लेकर अलर्ट कर सके? ऐसे पर्सनल गैजेट्स जो मलबे के नीचे दबने की स्थिति में लोकेशन की जानकारी दे सके, व्यक्ति की स्थिति की जानकारी दे सके। हमें इस तरह की इनोवेशन पर जरूर फोकस करना चाहिए। दुनिया के कई देशों में ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं तो टेक्नोलॉजी की मदद से नई नई व्यवस्थाएं तैयार कर रही हैं। हमें इनका भी अध्ययन करना चाहिए, वहां की बेस्ट प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट करना चाहिए।